हर बात में कोई ना कोई प्रत्याशी की चर्चाएं गर्म है। आज हम मौजूद हैं यहाँ पर अभी इस समय चौपाटी की तरफ, जो कि राठी जी की हवेली के समीप है। यहाँ पर नाश्ता चल रहा है, काफ़ी लोग हैं, इनसे चुनावी चर्चाएं शुरू करते हैं। जानते हैं आप किस वार्ड से हैं? हाँ सर, क्या लगता है चुनावी चर्चाएं चल रही है, क्या लगता है ब्यावर का चुनाव किस नज़र में देख रहे हैं? सर, ब्यावर का चुनाव लगता है कि अब तो मोदी जी का असर तो चल रही है, लेकिन फिर भी अब कांग्रेस की उम्मीद को ज्यादा रखते हैं। अच्छा, आप मोदी जी को कांग्रेस की उम्मीद को ज्यादा? हाँ, क्योंकि अब जो आर्थिक स्थिति की मंदी को देखते हुए सब लोगों को ध्यान में आ रहा है कि केवल शोक मोह से ही नहीं, काम घरेलू काम में भी विश्वास, इसके कारण ये अब बिल्कुल। आपका नाम क्या है? नारायण सिंह है। नारायण जी, आप कौन से वार्ड से हैं? हम 13 नंबर से। 13 नंबर से नारायण जी, क्या लगता है ब्यावर में जो चुनाव हो रहा है, किस मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए? वही राम मंदिर पे। राम मंदिर तो निर्णय हो गया आज? हो गया तो बस इसी पे ही है। अच्छा, इतनी सरकार आई, किसी ने मनाया नहीं जी, बीजेपी ने मनाया तो बस राम। बिल्कुल, तो आपको राम मंदिर का यहाँ पे निर्णय लगा है। साहब, आपका नाम? श्याम जी। श्याम जी, आप कौन से वार्ड से बिलोंग करते हैं? आप कौन से वार्ड से? 55 नंबर। 55 नंबर। श्याम जी, क्या लगता है चुनाव किस मुद्दे पे लड़ा जाना चाहिए ब्यावर का? विकास के मुद्दे पर लड़ा जी, और किस मुद्दे पर? क्या लगता है ब्यावर में विकास हुआ है इतने सालों के अंदर, या अगर पार्षद जो आते हैं कैसा पार्षद होना चाहिए? 55 नंबर में जाकर देखो क्या विकास हुआ है। कुछ विकास नहीं है जी। महेंद्र गोड़ हमारे वार्ड मेंबर है जी, कोई वहाँ चुनाव हुआ ही नहीं वहाँ पर, और चुनाव हुआ तो वहाँ रोड नहीं बनी। क्या लगता है नेताजी को क्या करना चाहिए अब? नेताजी को काम करना चाहिए ब्यावर के अंदर, और क्या करना चाहिए? नेताजी को काम करना चाहिए, और क्या करना चाहिए? अब नेताजी अगर उधर आएंगे नहीं तो फिर काम कैसे होगा? मतलब आपका मतलब है नेताजी आते नहीं हैं, वोट लेने आते हैं, उसके बाद में नेताजी नजर नहीं आते हैं। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? एज बतानी। क्या लगता है आपको, आप महिला हैं तो आपको क्या लगता है चुनाव जो लड़े जाते हैं, नेताजी आते हैं वोट मांगने के लिए, क्या लगता है किन मुद्दों पर चुनाव हो? नेताजी ऐसे है कि नरेंद्र मोदी ने बहुत आविष्कार किया महिलाओं के लिए, उनका बहुत साथ दिया और उनके लिए बहुत सुविधा की, स्वच्छ भारत बनाया, स्वच्छ घर घर में स्वच्छ बनाया। आज महिलाओं को कहीं जाने के लिए और बेरोजगार की जरूरत नहीं है, आज घर घर में उनके लिए काम दिया। आज महिलाओं को मोदी जी पर बहुत गर्व है, आज ऐसा होना चाहिए नेता जो मोदी जी पर गर्व करे, और ऐसा ही आना चाहिए देश में कि देश का नाम रोशन करे। बिल्कुल, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मोदी जी क्रेज आता है जी। बिल्कुल बिल्कुल, विचार हैं, विचार परिवर्तित होते हैं। और भी यहाँ पर काफी लोग हैं जो यहाँ पर नाश्ते का आनंद ले रहे हैं। आप कचौरी खा रहे हैं भैया, आप कौन से वार्ड से हैं? वार्ड नंबर 36। वार्ड नंबर 36 से। क्या लगता है नेताजी को किस मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहिए, आपको ब्यावर में किस तरह का विकास चाहिए? बेसिक्स जो होने चाहिए, साफ सफाई का कुछ नहीं रहता है, लाइटिंग का रहता नहीं, कई बार जैसे दारू के ठेके चल रहे हैं आसपास, ये तो इन पर मुद्दों पर होना चाहिए डेफिनेटली। इनका रोल नहीं होता है, कभी सफाई की गाड़ी आ रही, कभी नहीं आ रही, जाके पर्सनल बोलना पड़ता है उनको, बस सर कितनी बार तो मैंने खुद ने अपनी गली में रोड के लिए बोल दिया है जी। तो क्या लगता है कि ब्यावर में पिछले 5 साल की बात करें तो क्या पिछले 5 साल में विकास हुआ है, या इस बार जो बदलाव दिख रहे हैं आपको, क्या इस बार दिख रहा है? डेवलपमेंट दिख रहा है, बट स्लो एंड स्टडी है, ऐसा टू एंड फ्रो नहीं है कि जस्ट बोला और हो गया, क्योंकि एक्शन प्रमोट एक्शन वाला नहीं है। दिनेश राजी सांपेला जब थे उस टाइम थोड़ा अच्छा हुआ था, बट उसके बाद थोड़ा डिले चल रहा है, जितना भी कहीं ना कहीं ब्यावर को विकास की दरकार। बिल्कुल जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है जी। यहाँ पे आते हैं हमारे भैया जी जो कचौरी बना रहे हैं। चुनाव में कचौरी का बड़ा क्रेज माना जाता है, आपके यहाँ पे भी आप जानते हैं कि इस तरह चुनाव का दौर चल रहा है, और चुनाव के दौर में कचौरी और समोसे बहुत ज्यादा चलते हैं। आपके लिहाज से बताइए जरा कि ब्यावर में चुनाव किन मुद्दों पर होना चाहिए, ब्यावर को किस विकास की दरकार है? 15 साल हो गए ब्यावर को कोई विकास नहीं हुआ। अगर पार्षद ढंग का हुआ, या कांग्रेस की सरकार है राजस्थान के अंदर, अगर कांग्रेस का बनना चाहता है या बीजेपी का बने, कोई भी बने, पर ब्यावर का विकास होना चाहिए। सड़कें गले वगैरह सब ऐसे हैं, जानवर आवारा घूमते हैं, कभी कभी झगड़े होते हैं, कभी क्या होता है, कोई व्यवस्थित काम नहीं हो रहा है। अगर कोई भी सरकार बने दोनों में से एक के, अपन दोनों से पक्ष में नहीं, अपन दोनों में कोई भी सरकार बने, अगर किसी भी, या कांग्रेस की बनो या बीजेपी की बनो, काम होना चाहिए, ब्यावर का उद्धार होना चाहिए सब। क्या लगता है आपकी नज़र में सबसे पहले ब्यावर में अगर कोई बदलाव करना चाहिए तो क्या करना चाहिए? स्मार्ट सिटी बननी चाहिए ब्यावर सबसे पहला। एक बहुत बड़ी बात बताइए यहाँ पर कि ब्यावर को स्मार्ट सिटी बनाया जाना चाहिए, लेकिन उसके लिए राजनीति सुधरनी चाहिए। आप कौन से वार्ड से बिलोंग करते हैं सर? नहीं सर, हम तो बाहर से। आप बाहर से कहाँ से हैं? पाली से। पाली से हैं। ब्यावर में अभी चुनावी माहौल चल रहा है, आपके उधर तो नहीं है, लेकिन क्या आपको कुछ ज्ञात हो पा रहा है ब्यावर में आप आए हैं? ब्यावर के लिए तो बहुत अच्छा होना चाहिए, ब्यावर को डिस्ट्रिक्ट बनाना चाहिए। अच्छा, हाँ पाली तो डिस्ट्रिक्ट है, हमारे ब्यावर को भी जिले की दरकार है। ब्यावर हमारे ये नजदीक पड़ता है, ब्यावर नजदीक पड़ता है, तो ब्यावर डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। अच्छा, और ब्यावर का विकास होना चाहिए। क्या लगता है आप ब्यावर में आते जाते रहते हैं तो आपको ब्यावर में कोई कमी दिखती है या कोई अच्छी चीज दिखती है ब्यावर की? ब्यावर की तो हर चीज अच्छी है यहाँ जी, पर फिर भी डिस्ट्रिक्ट वो तो सबसे बढ़िया होता है जी। हाँ, तो ये पाली से आए हैं और इनका ये कहना है कि ब्यावर को जिला बनाया जाना चाहिए और पाली वालों के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी यहाँ पर।
हम मौजूद है माल्यान चौपड़ के समीप, यहाँ पर चाय बन रही है और यहाँ पर भी कई चुनावी चर्चाएं जारी है। क्या लगता है चुनावी चर्चाएं चल रही है साहब आपके यहाँ? चर्चा चल रही है ना। क्या लगता है ब्यावर का माहौल कैसा दिख रहा है? ब्यावर का माहौल बहुत अच्छा दिख रहा है। कांग्रेस की सरकार बनेगी इस समय? कांग्रेस की सरकार बनेगी आपके मुताबिक? जी। क्या लगता है ब्यावर किन विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए? विकास में, विकास का तो ब्यावर में विकास कांग्रेस ही करा सकती है। अच्छा, मोदी जी तो केवल आश्वासन देते हैं, काम हो नहीं रहा है। अच्छा, आपका ऐसा मानना है? अगर हम ब्यावर की बात करें तो ब्यावर में आपको क्या लगता है कि सबसे पहले विकास के नाम पर क्या करवाना चाहिए? विकास के नाम से ये सीवरेज का जो पूरी सड़कों की 12,000 की है, सड़कें ठीक करानी चाहिए पहले। सबसे पहला विकास तो ये है जी। बुजुर्ग आदमी निकलते गाड़ी लेके तो नीचे गिरते हैं जी। सबसे पहला कार्य यही है कि सीवरेज का कार्य पूरा होना चाहिए। इनके मुताबिक सबसे पहले सीवरेज की समस्या को हल किया जाना चाहिए। युवा लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं कि क्योंकि युवा का सबसे बड़ा रोल माना जाता है चुनाव के रणनीति के अंदर। आप लोग सभी युवा हैं और सभी चुनाव की रणनीति को समझते हैं, सभी ब्यावर से ही हैं। ब्यावर के ऊपर मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ कि जो अभी चुनाव चल रहा है, क्या लगता है आप लोगों को कि ब्यावर में किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जाना चाहिए? ब्यावर में सभापति की सीट को लेकर चुनाव लड़ा भैया बोलते हैं हमारे जी। बताइए आपको क्या लगता है ब्यावर में सबसे बड़ी समस्या कौन सी है जो दूर की जानी चाहिए? ब्यावर में तो गंदगी की समस्या है और ये सड़क वगैरह नाली वगैरह की है समस्या, तो उसका समाधान होना चाहिए। जो भी सीटें आवे, जो भी पार्षद आवे, उनका समाधान करें पहले तो। और ये गाय वगैरह सड़क पर घूमती है तो उनका समाधान हो, बस यही है। ये एक बहुत बड़ी समस्या आपने बताई है कि ये सभी समस्याएं पिछले 5 सालों से लगातार देखी आती रहती है, हर बार समाधान निकाला जाता है लेकिन वही हालात जस के तस बन जाते हैं। तो ऐसा क्या हो इस बार जो पार्षद लोगों को करना चाहिए? क्योंकि नेताजी आते हैं, वोट मांगने आते हैं, वादे करते हैं, दावे करते हैं, तो इन दावों की सच्चाई कैसे पूरी की जा सकती? वो तो चुनाव के लिए आते हैं तो उनको बाद में आओ, जब जनता को ये भी बताना चाहिए वोट मांगने हो तो उन बात करनी चाहिए एक एक आदमी से, भीड़ के साथ ना। जो भी पार्षद चुनाव लड़ रहा है वो एक एक घर से जाके एक एक आदमी से मिले, जब जाके हो बात पूरी, जब जनता बोल पावे। क्या लगता है युवाओं के लिए कुछ होना चाहिए ब्यावर में? युवा के युवा ही जोश बढ़ाएंगे जनता का, और युवा ही करती है जो करती है। चुनावी माहौल के बीच में हम मौजूद हैं अभी चांगेट के ऊपर और यहाँ पर तमाम व्यापारी गण भी हमारे बीच में मौजूद हैं। इन व्यापारियों से जानते हैं कि इनकी क्या राय है चुनाव को लेकर। ब्यावर राजनीति सरगर्मियाँ बहुत तेजी से चल रही है, ब्यावर में इस वक्त चुनाव के मद्देनजर आपको क्या लगता है किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए? पार्षद महोदय कैसे होने चाहिए? पार्षद महोदय अच्छे होने चाहिए, गली की नालियाँ सही करो, सड़कें सही करो और हर किसी का ध्यान रखो, बाकी तो अपने जेबें भरो, वो ऐसा पार्षद हमको नहीं चाहिए जी। क्या लगता है पिछले 5 सालों के अंदर जो भी ब्यावर के अंदर कामकाज हुआ है, क्या उससे आप संतुष्ट हैं या और भी विकास की दरकार है? और अगर है तो कौन कौन से विकास की दरकार? अभी तो बहुत विकास जरूरी है, अभी तो नालियाँ बहुत आधी पड़ी है और कई जो है कॉलोनियाँ जो अभी तो किसी में भी विकास नहीं हुआ है, नालियाँ बाहर पानी बह रहा है, सड़कें टूटी हुई है, अभी कुछ विकास नहीं हुआ है, विकास की दरकार है। क्या लगता है साहब आपको ब्यावर में सबसे पहले क्या विकास होना चाहिए? रोड का होना चाहिए, लाइट का होना चाहिए, साहब रोजगार मिलना चाहिए। नेताजी 5 साल में आते हैं, ध्यान रख जो सा कहते हैं, तो क्या लगता है इस बार ध्यान रखने के लिए कहने के लिए आएंगे तो क्या अब की बार पार्षद महोदय को क्या कहेंगे आप? विकास होना चाहिए, गली मोहल्ले साफ होना चाहिए, कैसा ते मैडम होना चाहिए। यानी आपने एक रोजगार की बात उठाई है, यहाँ पर रोजगार की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आप एक अच्छे व्यापारी गण हैं और शिक्षित वर्ग से जुड़े हुए हैं, क्या लगता है युवा पीढ़ी को अगर मैं जोड़ता हूँ तो ब्यावर में युवा पीढ़ी के लिए कैसा विकास किया जा सकता है? और अगर सभापति की बात की जाए तो पिछले 5 साल में आपने सभापति का कार्यकाल देखा है, ब्यावर का विकास देखा है, क्या लगता है क्या बदलाव की जरूरत है? ब्यावर में चुनावी माहौल आते सभी नेतागण जागरूक हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव समाप्त होते हैं नेतागण पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, पता नहीं पड़ता। आज पार्षद अच्छा व्यवहार कुशल होना चाहिए, जो हम सबके बीच का होना चाहिए, जिसे महसूस होना चाहिए कि क्या जो ये समस्या है ये जायज है या नहीं है, उसके ऊपर इनको ध्यान देना चाहिए। ब्यावर के अंदर सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि यहाँ सफाई के माकूल व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, गंदगी जगह जगह जमा पड़ी है। पार्षद का काम शहर की व्यवस्थाओं को देखना है और मैं चाहता हूँ कि पार्षद ऐसा चुन के आए जो हमारी समस्याओं को समझे, समझकर उनको सुलझाने का प्रयास करें। पिछले 5 साल का कार्यकाल देखा जाए तो मिला जुला रहा, ठीक ठाक रहा, एकदम अच्छा भी नहीं कह सकते हैं और एकदम ख़राब भी नहीं कह सकते हैं। जो ये जगह जगह गंदगी पड़ी है इसको हटाने की बहुत बड़ी दरकरार है, जिसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले चुनाव में जो भी पार्षदगण चुन के आएंगे वो इस पर ध्यान देंगे और जो हमारे सभापति महोदय होंगे वो भी इन चीज़ों पर ध्यान देंगे। दूसरी बात, जो शहर का माहौल है उसमें बहुत बड़े बदलाव की ज़रूरत है, जगह जगह ट्रैफिक जाम होना और
जगह जगह जो ये सीवरेज लाइनें वगैरह जो खुदी पड़ी है जिनका मरम्मत का कोई काम नहीं हो रहा है, इसके ऊपर ध्यान देना और शहर की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना। बाकी काम तो हमारे नरेंद्र मोदी जी को देखना है। यानी बिल्कुल नेताजी सुन लीजिए कौन कौन से ब्यावर में काम होने हैं और आप ही को करवाने हैं। आपको क्या लगता है ब्यावर में क्या काम करवाना चाहिए बताइए। काम तो क्या होता ही नहीं है यार भाई साहब, ये कह रहे हैं जो बिल्कुल एक्यूरेट है। ये गंदगी भी क्या लगता है ब्यावर में किस चीज की कमी है? ब्यावर में चारों तरफ से रोड चारों तरफ से खराब हो रखे हैं और चारों तरफ से कचरा पड़ा हुआ है और ये सीवर लाइन की जगह जगह खड्डे खोद रखे हैं, वो भी नहीं हो रहा है जी। और बाकी क्या हर चीज की ट्रैफिक व्राफिक का हारा कोई सुना ही नहीं। यानी हर तरफ अव्यवस्था का आलम है, सड़कें खुदी पड़ी है, ट्रैफिक व्यवस्था बदहाल है, युवाओं को रोजगार की आवश्यकता है। बाबूजी आप कौन से वार्ड से बिलोंग करते हैं? हम तो ढेर यहाँ जटिया कॉलोनी के उधर। जटिया कॉलोनी के उधर है, आपके जटिया कॉलोनी में किस तरह का विकास चाहते हैं आप? वहाँ विकास तो हो ही नहीं रहा है जी, कितने साल हो गए, 30 साल तो हो गए वहाँ रहते हुए, कुछ भी नहीं हो रहा। जो भी आते हैं बकवास करके चले जाते हैं। क्या लगता है आपको फिर कैसे होगा विकास? होगा भी नहीं और ये कर भी नहीं सकते कोई। आपने उम्मीद छोड़ दी? सब पैसे खाने के लिए चल रहे हैं, पैसे खाते हैं क्योंकि पैसे खा जाते हैं, सड़कें पूरी होती नहीं है, जहाँ देखो जहाँ सब गंदगी गंदगी है सर। अच्छा, पैसे तो अब चुनाव आ रहा है, सब कह रहे हैं कि रुपये खाने के लिए चुनाव है जी। क्या 5 करोड़ इसके खा गए, 2000 इसके खा गए, 4000 उसके खा गए, बाकी काम नहीं होगा। तो आप वोट तो देते हो? वोट तो देते हैं, कट्टर बीजेपी है लेकिन वोट देते हैं, लेकिन फिर भी बुराई तो करनी पड़ेगी बीजेपी की। अच्छा, जो काम करते नहीं इसलिए करना पड़ता है। वैसे अगर आप मान लीजिए कि अगर आपसे मैं पूछूं कि ब्यावर में विकास करवाना है तो आपके मुताबिक सबसे पहले क्या करवाना है? एक बात बताऊं आपको जनरली जी जी, ब्यावर में आज तक कोई MLA, कोई चेयरमैन और कोई यहाँ का अजमेर जिले का मंत्री जी, ब्यावर का किसी ने भला नहीं किया, आज तक नहीं किया, न कर सकता कोई। ये ब्यावर आज भी खड्डे में है और खड्डे में रहेगा, क्यों सब अपना मतलब बना के पैसे अमाउंट में रख लेते घर पे, विकास गया तेरे। फिर कैसे बढ़ेगा ब्यावर आगे? बनेगा, बढ़ेगा ही नहीं कह रहा हूँ ना, नहीं बढ़ सकता, न कोई बढ़ा सकता, सब पैसे खाने में, लूट मचाने में। अच्छा, ये लूट बंद हो जाएगी तो ब्यावर आगे बढ़ जाएगा? ये बंद होगी नहीं सर, ये तो चली आ रही है सदियों से, कैसे बंद होगी? कौन कराएगा? मोदी ने भी नहीं करा सका और कांग्रेस 60 साल रह गई, ये भी कुछ नहीं कर पाई और अभी भी कुछ नहीं कर पाएगी। कांग्रेस आ भी जाएगी नहीं तो कुछ कर नहीं पाएगी, न बीजेपी कुछ कर पाएगी, सब पैसे खाएंगे, चुनाव के लिए खा जाएंगे, चराने का काम 50,000 में बताएंगे। कुल मिलाकर इनका कहना है कि स्थिति ढाक के 3 पाती रहने वाली है। इनका मानना है कि ना बीजेपी कुछ कर पाएगी ना कांग्रेस कुछ कर पाएगी, ये ब्यावर गड्ढे में था गड्ढे में रहेगा, इनका ऐसा मानना है। और भी लोग मौजूद हमारे बीच में, आपसे बात करते हैं, आपको क्या लगता है ब्यावर का विकास कैसे होगा? जैसे हालात चल रहे वैसे तो कुछ नहीं होने वाला। क्या लगता है सबसे बड़ी समस्या ब्यावर में क्या नजर आती है आपको? सब रास्ते देखो आप, सड़कें देखो आप, गंदगी देखो आप, जहाँ देखो जहाँ कचरा पड़ा है, जहाँ देखो वहाँ खड्डा, वो देखो सामने खड्डा रहा है। कुल मिला के कुछ नहीं होने वाला। क्या लगता है पार्षद महोदय आ रहे हैं वोट लेने के लिए, विकास का दावा कर रहे हैं, तो क्या लगता है पार्षद महोदय कैसा हो? वो तो उनका टाइम है अभी आने का जी। आएंगे, वादे करेंगे, बोले ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, होना कुछ भी नहीं है। यानी आपको भी लगता है कि कोई उम्मीद नजर नहीं आती? कोई उम्मीद नहीं, तो बड़ी काफ़ी निराशा यहाँ पर लग रही है। इनका ये मानना है कि जो चुनाव होता है वो सिर्फ एक चुनाव मात्र औपचारिकता रह गई है। किस तरह का विकास की जरूरत लगती है आपको जब आप आते हैं तो यहाँ पर देखते हैं व्यवस्थाओं को? ठीक है, रोड वोड थोड़ा गड़बड़ है, रोड गड़बड़। हाँ जी हाँ जी, रोड और बिजली भी थोड़ी कम है, रोड और बिजली। क्या हमारे टेम्पो वाले भैया हैं, इनसे बात करते हैं। सब चुनाव का माहौल चल रहा है, क्या लगता है कैसा चुनाव होगा? चुनाव तो अच्छे होते हैं। अब ब्यावर में आपको क्या लगता है नेताजी कैसे होने चाहिए? नेताजी वही ब्यावर का विकास करा सके, ब्यावर की पब्लिक के हित में सोचे तो अच्छे काम होने चाहिए ब्यावर के अंदर। वो ये नहीं है कि भ्रष्टाचार फैले जैसे पहले फैला जी। क्या लगता है ब्यावर में किस तरह का विकास आप सबसे पहली प्राथमिकता रखते हैं? नेताजी जैसे हम ऑटो चलाते हैं सबसे पहले हमारे सड़कों की जरूरत है जी। जैसे हम सड़क ऑटो में चलाते हैं इतने बड़े बड़े खड्डे हो रहे हैं, सीवर लाइन की जो लाइन खोदी है उसका काम भी पूरा नहीं हो रहा है, सब जगह अधूरे है, इतने लंबे में खड्डे, कहीं भी दुर्घटना हो सकती है जी। स्कूल के बच्चे भी जाते हैं तो पिछले 5 साल की बात करें तो 5 साल से संतुष्ट हैं आप कार्यों से? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो बिल्कुल, तो ये टेम्पो चालक है, इनका कहना है कि हमारे लिए तो सबसे पहले सड़क सही करवा दीजिए ताकि इस रोडों पर हम ढंग से चल सकें।